नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। राष्ट्र को हमेशा नौजवानों से रहना है आस, युवा जब उठता है तो बदलता है इतिहास। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की चुनाव यात्रा में। और उत्तर प्रदेश का सियासी रण सज चुका है। महोबा जनपद में आगामी 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आज महोबा समाजवादी पार्टी की नगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और नगर कार्यकारिणी में दिलचस्प जो बात देखने को ये मिली कि यहाँ ज़्यादातर युवाओं को आगे बढ़ाया गया है और युवा जोश और युवाओं की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी इस बार महोबा जनपद में फतह करने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रोशन अली जी हैं, जानते हैं इनसे। ये बताइए, इस बार क्या लगता है आपको, सपा आ पाएगी? समाजवादी पार्टी सिर्फ महोबा विधानसभा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। 350 सीटों से ऊपर ही समाजवादी पार्टी जीत कर सरकार बनाएगी। ये बताइए, महोबा जिले के जो खास मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? आज हमने ये अपनी टीम का विस्तार किया है, कार्यकारिणी का गठन किया है, तो क्या लगता है लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं? आप देख सकते हैं इस सरकार में लोगों को, छात्रों को, युवाओं को, व्यापारियों को लाठी के अलावा कुछ नहीं मिला है। और खास करके आप महोबा में देख सकते हैं, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ पर शुरू से पानी की दिक्कत रही। जब हमारी सरकार रही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर तालाबों को खुदवाने का काम किया था, जो आज भी यहाँ पर अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा गरीब इंसान, उसके घर का बिजली का बिल 2500 और 3000 और 4000 रुपये महीना आ रहा है। तो हमारी सरकार का ये कहना है कि पहली कैबिनेट मीटिंग पर जैसे ही सरकार बनेगी 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। स्थानीय तौर पर क्या ऐसे मुद्दे होंगे? आपकी पार्टी से भी एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है, बीजेपी ने भी जो वर्तमान विधायक हैं उन पर दाव लगाया है, तो ऐसे में कहां तक समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर पाएगी? देखिए, 80% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस ब्राह्मण पर दाव लगाया है, जो साफ सुथरी छवि के हैं, उनके ऊपर ना ही कोई आपराधिक मामले हैं, ना ही उनको कोई भ्रष्टाचार में किसी भी तरीके से लिप्त पाया गया है, क्योंकि वह शुरू से राजनीतिक रहे हैं। और जो अभी वर्तमान चरखारी विधानसभा में अचानक प्रत्याशी बदलने से क्या क्या मतलब है, क्या जरूरत है? देखिए, ये श्री सुनेत्र का फैसला है, उन्होंने अपनी सर्वे टीम से सर्वे कराया तो उनको समझ में आया कि जो प्रत्याशी पहले था वो शायद नहीं जीत सकता, इस वजह से प्रत्याशी बदला है। और हम समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, सारी सीटों पर देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमीश है। अच्छा, ये बताइए, आज आप लोगों की टीम का गठन हुआ है, क्या कमाल कर पाएगी ये टीम? कमाल तो बहुत जबरदस्त करने वाली हमारी टीम। अच्छा जी, अब ये देखिए, योगी जी कह रहे हैं हमने सिलेंडर दिया, राशन दिया, लोगों को शौचालय दिया, सब कुछ तो दिया है। तब दिया जब बिल्कुल चुनाव नजदीक आ गए और जनता बखूबी जान चुकी है कि ये लोग लालच बिल्कुल आने वाली ही नहीं। वो तो कह रहे बहुत काम किया बीजेपी सरकार, आप देखिए गुंडा राज था आपकी सरकार में खत्म हो गया। हमारी सरकार योगी जी ने बुलडोजर चला दिया माफिया पर, आपके माफिया बढ़ाए हुए थे, माफिया कुछ नामचीन जो विशेष समुदाय के लोग थे उनके ऊपर बुलडोजर चला है, ये आप लोग ही बखूबी जानते हैं। और गुंडा करती आज 99 लोगों को टिकट दिए गए, वो माफिया ही है जो टॉप 10 गिनती आती 99, बस एक विधायक की कमी है 100 होने। अखिलेश पूर्ण बहुमत से ये समझिए कि 350+ हम लोग सीट लेके आ रहे हैं। आप बताइए, इधर आइए, आप युवा हैं, क्या नाम है आप? संदीप। अच्छा, आप आज नगर कार्यकारिणी में किस पद पर आए हैं? नगर सचिव। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पढ़ते हैं? हाँ। क्या लगता है, योगी जी कह रहे हैं हमने छात्रों के लिए परीक्षाएं पारदर्शी बनाई, कहाँ गुंडा राज वाली पार्टी में आ गए? वो कह रहे गुंडा राज है इसमें, तो उन्होंने वादा किया लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा, अपने वादा शुरू कर गए।
बताइए, लाठियां चली हमारे ऊपर, मारा गया, धरने पर गए कि भाई काम नहीं तो बहुत हुआ, क्या काम हमारे लिए, क्या काम हुआ युवाओं के लिए, काम क्या हुआ कहीं बताइए, परीक्षाएं कराई, परीक्षाओं के लिए धरने पर गए, लाठियां खाई, अगर वापस आए फिर रोए गए, फिर वापसी गए भैया परीक्षा कराइए, परीक्षाएं नहीं कराई, चुनाव टाइम पे कराया उन्होंने अपना, बाकी परीक्षाएं टाइम पे नहीं कराई, अभी टाइम पे करा रही है परीक्षा, इसलिए आप सपा में आ गए। यहाँ और भी है भैया, ये क्या नाम है आपका? ये बताइए आपकी पार्टी कहाँ पार्टी है, पता नहीं क्या क्या आप कह रहे हैं, दोनों विधानसभा जीत रहे हैं, आप उस समय उत्तर प्रदेश में खुद देख रहे हैं कि गुंडागिरी कौन कर रहा है, आपने देखा इलाहाबाद में किस तरह से छात्रों को बांटने के लिए गए, अभी जो लड़की आप कह रहे हैं महोबा विधानसभा से दो दो ब्राह्मण आमने सामने है, सपा से भी ब्राह्मण है और भाजपा से भी ब्राह्मण है, भाजपा विधायक भी है, ये अभी आप लोग कह रहे हैं हम जातवाद नहीं करते हैं, बिल्कुल ये जातवाद, देखिए हमारी पार्टी कभी जातिवाद नहीं है, पहली चीज ये है कि जो शिविर विधायक उन्होंने महोबा को कुछ कोई भी सौगात देने के काम नहीं आया, महोबा में कोई भी काम नहीं, इसलिए जनता उनसे उग चुकी है और निश्चित रूप से ब्राह्मण उनसे नाराज है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5,500 ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, और आपने देखा कि महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी जैसे एक बहुत बड़े व्यापारी को किस तरह से आत्महत्या करना पड़ी, इसी सब को देखते हुए ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने के लिए और महोबा का विकास करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय कौन सा विकास करवाया, 1,000 का सिलेंडर कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर कर दी, नौकरियां देने का काम नहीं किया, छात्रों को लाठियां मारी जा रही हैं, जो भी लोग नौकरियों का जो है का मांगने का काम कर रहे हैं उनको जो है उनके ऊपर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप मतलब आप चुनाव में जाएंगे तो जाति के आधार पर वोट मांगेंगे, धर्म के आधार पर मांगेंगे या राष्ट्रवाद के नाम पर मांगेंगे या विकास के नाम पर, ये केवल हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो फिर आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जिन्ना जिन्ना को चला रहे हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है, ये केवल सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की जो YT सेल है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कोई भी बयान नहीं आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम दोनों सीटें जीतेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 22 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आने वाला समय 10 मार्च को आप देख लेना और हमारी सम्मानित मीडिया सबसे पहले हम लोगों को बधाई देने का, तो तत्काल में अचानक से एकदम से प्रत्याशी बदलने आप जिले के पदाधिकारी हैं, जी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया और उनकी पर्सनल एल आई हो गई जो की लखनऊ से आई और चटारी से उन्होंने देखा कि हमारा प्रत्याशी किसी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, इसी को लेकर उन्होंने आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी को बदलने का काम किया, इसलिए दोनों सीटें हम लोग जीत सके और हम लोग 30 और 31 दोनों विधानसभा जीत कर, तो ये जिला उपाध्यक्ष जी है और पार्टी के नेता है, तो अपनी अपनी बढ़ाई के लोग करते हैं अपनी पार्टी की अपने नेताओं की, और नई नवेली जो टीम आई है थोड़ा इनसे भी, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा चौरसिया जी, क्या हाल है इस बार, क्या लग रहा है माहौल? जनता के बीच क्या कहेंगे लोग, क्यों बोलते हैं आपको लोग रोजगार, ये तो ये नीति हम कह रहे हैं, हमने भी दिया है बहुत विकास हुआ है, ये पूरी टीम थी समाजवादी पार्टी नगर कार्यकारिणी के नाम पदाधिकारी थे और यहाँ से निकले तो हमने सोचा चलते चलते युवाओं का भी हाल देख लिया जाए और समाजवादी पार्टी के दावों में कितना दम है, इनकी युवा टीम कितना असर कर पाएगी ये तो आगामी 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल सपाइयों में जोश हाई है। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी रण सच चुका है, लगातार सभी राजनीतिक दल जोर तोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री या सपा के अखिलेश यादव या कांग्रेस की प्रियंका गांधी, लगातार पूरे यूपी में सभी प्रचार प्रसार तेजी से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं।
जनता क्या सोचती है और जनता आखिरकार किसका क्या मूड है। हम सदर तहसील महोबा विधानसभा की सदर तहसील में खड़े हैं, क्योंकि तहसील एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं और यहां अधिवक्ता भी बैठते हैं, जो ज़्यादातर उनको काबिलियत के मामले में अधिवक्ता हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, जो चुनावी माहौल है यहाँ से अच्छा शायद कहीं नहीं मिल सकता। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा और जनता किसके लिए इस बार वोट देने के लिए मूड बना रही है। क्या नाम है आपका? शुक्रपाल यादव। अच्छा ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा। नहीं, अभी तो भाजपा की है। किसकी आना चाहिए? हमारे साथ तो सपा की आना चाहिए। सपा। आप ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे? जात के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे? विकास तो योगी जी कह रहे हैं हमने बहुत किया है। बिल्कुल विकास किया, लाइट आने गई है बिल्कुल, है ना, और गांव में खाद की बड़ी किल्लत है। हम तो गांव से आते हैं, देखते हैं काफ़ी समस्याएं हैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं यहाँ, वकील हैं, तो ये बताइए लोग आते हैं तो क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो इस समय सपा का, सपा का है। भाजपा वाले कह रहे हैं हम 350 सीट लाएंगे। भाई अभी हमने क्या सकते, उनके कहने से क्या होता है, जैसे जनता का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी। ये दादा आए हैं कहाँ से आए हैं? मैं रजौनी महोबा। अच्छा ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार? योगी जी। योगी जी? हाँ योगी जी। 400 सीटें आ रही उनकी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं। अरे उनने किया ही नहीं है। अच्छा, उनने किया ही नहीं है यार। क्या होता, अकेली चेक देने से कुछ नहीं होता है, चेक देने से कुछ नहीं होता है। आप ये बताइए, इस बार आप धर्म के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे, जात के नाम पे या राष्ट्रवाद? ना ना ना, विकास के नाम। विकास जो योगी जी ने विकास किया है, अरे वो कोई ना कर सकता है? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अरे जात पात ये जहर उन्हीं लोगों ने तो घोला है। अच्छा हाँ, मैं कहता हूँ इस बार योगी। हाँ योगी, 100% योगी। ये हमारे साथ है, क्या नाम है आप? योगेंद्र सिंह। अरे ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा? योगी जी मुख्यमंत्री बने। योगी जी ने कोई काम नहीं किया, अखिलेश कह रहे हैं। बहुत काम किया है, विरोध है। अरे बहुत काम किया है, मायावती विरोध करेंगी, अखिलेश विरोध करेंगे, बहुत काम, प्रियंका विरोध करेंगी, लेकिन योगी या नहीं योगी? योगी जी ने रोकने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा है महिलाओं को स्कूटी देंगे और बच्चियों को और लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, बहुत बड़ी रैली की। अरे साहब ये प्रलोभन है, प्रलोभन है, प्रलोभन है, रोकने वाला नहीं है। योगी अब मोदी दोनों आएंगे। आप बताइए, 70 साल में कुछ नहीं किया मोदी? 70 साल? अरे ऐसे कैसे आएंगे, काम नहीं किया, अखिलेश कह रहे हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? राधे तरह। अच्छा कहाँ से आए हैं? हवा से। ये बताइए आप क्या क्या सोचकर वोट देंगे? सोचकर योग्यता से। अच्छा योग्यता से। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने ही बहुत विकास कराया था, करा है, ने कुछ नहीं करा, वो कह रहे हमारे काम थे, वो नहीं कुछ दिखा रही सरकार। आप कहाँ से आए? अच्छा क्या नाम है? इस बार ही बताइए किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी की? मोदी जी ने कहा किया कोई काम नहीं किया, बहुत का काम किया, बहुत काम किया। अच्छा बहुत का काम किया, बैरागी है। अच्छा वो अपने लिए नहीं सोचता, वो जनता के लिए सोचता है। अच्छा सपा ने भी बहुत काम किया, प्रियंका गांधी भी कह रही हम बहुत काम कराया होगा, लेकिन हमें उनके संग हमने बोल दिया। अच्छा आपको आपको बाबा पसंद है? बिल्कुल जी हाँ। अच्छा हमारे साथ और भी यहाँ कई लोग हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है? अच्छा ये बताइए इस बार क्या सोचकर वोट डालेंगे और किसकी सरकार? नगर पालिका। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार है? गरीब जनता की है, योगी जी मदद कर रहे हैं, फ्री राशन दे रहे, फ्री ये दे रहे, लोग तो प्रलोभन दे रहे। अभी क्या उनकी सरकार नहीं रही, बीएसपी की रही, सपा की रही, क्या किया योगी जी ने? किया है। अखिलेश यादव कह रहा है कि हमारे जो काम थे वही, उसमें अपना नाम जोड़ना है, कुछ नहीं किया ऐसा है जोड़ना है। आज बॉल हम कॉर्नर पे है, हम स्टेक मार रहे तो गोल हमारा गल रहा है। अच्छा गोल घल्ला है, गोल हमारा। हाँ समझ रहे हो, ठीक है हम खेलते रहे, अखिलेश जी खेलते रहे, गोल नहीं कर पाए। हमारे साथ और वकील साहब है, क्या नाम है आपका वकील साहब? रामपाल सिंह यादव। अच्छा ये बताइए इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए?
अखिलेश यादव। अखिलेश जी, अरे योगी जी कह रहे हैं मतलब बहुत काम करा है, लोग कह रहे हैं योगी जी ने बड़ा काम, वो बाल ढूंढ के ले आए थे। अच्छा, फेंकने के अलावा कोई काम नहीं है भाजपा। प्रियंका गांधी भी तो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कितनी बड़ी रैली की उन्होंने? बहुत भीड़ हुई थी उनकी रैली, देखी थी आपने? देखी है। तो फिर प्रियंका क्यों नहीं, मायावती के टाइम पे इतनी अच्छी कानून व्यवस्था रही, वो कह रहे थे लाइट भी अच्छी थी। अभी तो बिल्कुल नहीं है, देख नहीं रहे हैं। मायावती ठीक है? मायावती कहाँ थी? हाँ, कानून व्यवस्था तो बड़ी अच्छी रही ना उनके, वो कह रहे थे सपा तो गुंडों की पार्टी है। ये तो सब गुंडा ही होती है, वो कह रहे थे गुंडा ही कहीं नहीं है। अच्छा नहीं है। अखिलेश, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नजमुद्दीन। अरे ये बताइए, इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? इस बार सरकार उसी की आना चाहिए जो जनता की सुने, गरीब जनता को पेट पाल लेके। कोई महोबा में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह हो यहाँ महोबा में क्या है, कौन सी फैक्ट्री है? कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फल की ठिलिया लगा रहा है, कोई गरीब जनता ऐसे पल रही है महोबा में क्या? कौन सी सरकार ने, बीजेपी ने, अखिलेश ने कौन सी फैक्ट्री यहाँ बना दी? वाले कह रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बना रहे, बहुत बड़ा यहाँ विकास हो, यहाँ गन फैक्ट्री बनी, बाहर का आदमी बना रहा है। जब भी कोई विदेश का हमला होगा तो सबसे पहले महोबा में होगा। बताओ ऐसी फैक्ट्री कोई क्या बना लगता है आपको? इस बार आना किसको चाहिए? इस बार आना चाहिए, हमें तो लगता है मोदी सरकार ने काम किया है। बाकी पहले के जो अखिलेश यादव के जमाने के थे काम, वो अब काम पूरे हो रहे हैं उसी के पीरियड में। साइन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है सरकार ने, काम पूरा हो रहा है योगी सरकार के बीच। कौन आना चाहिए अभी? आना चाहिए मोदी सरकार, एक बार फिर आना चाहिए। एक बार फिर? हाँ, पक्का 100%। हाँ, इस बार पूरा और भी है आपका। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी। अरे योगी जी ने बड़ा काम किया, शौचालय दिए, आवास दिए, सिलेंडर दिए, क्या राशन दिया, सब कागजों में पूरा। अच्छा, बेरोजगारी यहाँ इतनी बड़ी मुद्दा है, सब पलायन कर रहे हैं। आप ये बताइए आप करते क्या है? हम LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं, ये बताइए क्या सोच कर वोट देंगे इस बार? इस बार परिवर्तन। परिवर्तन किस मुद्दे क्या रहेंगे? विकास रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, रोजगार, जाति रहेगा, धर्म रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा, विकास और रोजगार रहेगा। अच्छा, तो अखिलेश आना चाहिए पक्का है, योगी नहीं आना चाहिए? और मायावती के मामले में बहुत, प्रियंका गांधी भी आई थी बहुत बड़ी रैली करके, प्रियंका गांधी यहाँ यूपी में ना चल पाए। अच्छा आप देखिए, ये जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ओम नारायण तिवारी नाम है मेरा, भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए आपको रोक के पूछ रहा हूँ यहाँ लोगों के सामने कि बीजेपी वाले हैं बता रहे हैं कोई काम नहीं किया है अखिलेश के काम। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ना हुआ है, और ना अन्य पार्टी कर सकती है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्रियंका गांधी कह रहे थे झूठ बोलते हैं भाजपा। देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस को सबको खूब देख चुके हैं सब लोग, और खूब देखा है। लूटने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और सपा ने गुंडा राज के अलावा कुछ नहीं। अखिलेश ने बहुत काम किया? नहीं किया भाई, आप ये जनता देख रही है, बोल रही है। योगी जी ने काम किया है? योगी जी ने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है, आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आए थे, कहते हैं कुछ लोग जो जैसे आप सपा वाले हैं तो बोलेंगे सपा की तरफ। नहीं, जनता भी तो कह रही है कुछ, कई लोग जनता में भी मिलते हैं। सरकार में जो काम हो रहे हैं कोई नहीं, ये जनता के लोग हैं। हम नहीं, बगल में आप बताइए तो नहीं है, आप बताइए क्या सोचकर लोग इस बार वोट देंगे? क्या सोचकर, क्या मुद्दा कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद रहेगा कि आपका? देखिए हिंदू मुस्लिम रहेगा, विकासवाद और राष्ट्रवाद तो है ही। जो सपने थे, जो सपने थे ये था कि होने वाले नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, जातिवाद तो खत्म है, जातिवाद तो पूरी तरह खत्म रहेगा, पूरी तरह खत्म रहेगा। राष्ट्रवाद और विकासवाद और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये जनता का। हमारे साथ और भी यहाँ कई लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी जी। अखिलेश ने भी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, जनता की समझ से नहीं किया। जो नोट करेंसी बदल दे तो वो कौन करेगा? अच्छा क्या नहीं तो क्यों आना चाहिए? कोई काम था किए बताओ। ये आना चाहिए विकास के एजेंडा जो भाजपा सरकार कर रही है वो कोलिशन किया है। अच्छा कर रही है। ये भैया है, युवा है थोड़ा, भाई क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार? लगा रहे हैं भाजपा। क्या करते हैं आप? लगा रहे हैं 15 मिनट। तो किन मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे आज? ये विकास, क्या क्या विकास? विकास ये हुआ है कि यहाँ पे गरीब आदमी
मकान नहीं थे, उसका मकान मिल गया है। उसको क्या बात, आवास नहीं थे, आवास आया है। शौचालय नहीं थे, शौचालय आया। सड़कें नहीं, सिलेंडर महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, कहाँ जाएगा। डीजल पेट्रोल भी 100 रुपए के पास पास है, फर्क पड़ता है हमें। अच्छा, क्योंकि विकास हो रहा है इस टाइम पे, वो ज्यादा दिख रहा है। वकील साहब और भी है, क्या नाम है आपका? अरुण सक्सर। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी योगी सरकार फिर से पुनः आएगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ये है कार्य, हाँ, एक बार पुनः जो है। विपक्ष वाले कह रहे कुछ नहीं किया, काम आलोचना करना है। वो कह रहे हैं हमारे कार जो योजना है उन्हीं का लोकार्पण का लोकार्पण किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, तो उनका कहना गलत है, नाम बदल लिए। जो आज तक नहीं हुआ बुंदेलखंड में, वो इस सरकार ने किया है। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सिंचाई की, तो ये माननीय अटल बिहारी का जो सपना था कि नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना उन्होंने जो यहाँ पर की है, उससे पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र हरा भरा होगा और यहाँ का किसान पंजाब की तर्ज पर यहाँ का किसान खुशहाल होगा। क्योंकि इससे हमारा उर्मिल डैम और मजगुआ डैम दोनों कनेक्टेड हो रही हैं और उससे यहाँ की सिंचाई में बहुत बड़ी योजना होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहाँ पर दिया गया है, जिससे भी बहुत बड़ा लाभ है। बुंदेलखंड कॉरिडोर भी है और बुंदेलखंड कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी, ऐसी जनता को फ्री भोजन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। आपका क्या नाम है? इकबाल है। ये बताइए इस बार क्या लगता है किसको आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्या बात, भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई काम नहीं किया अखिलेश कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं, कोई काम नहीं। कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यहाँ कोई वक्तव्य है जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने लिए किया, अपने समाज के लिए किया, किया इन्होंने, सब जनता को किया, सब समाज को किया, सब धर्म संभाग को किया। सिलेंडर महंगा कर दिया, कौन कहता महंगा? आज दिया नहीं आप लोगों को, दिया नहीं, सबको दे दिया उन्होंने सिलेंडर, फ्री दिया औरतों को दिया। विपक्ष वाले कह रहे हैं फ्री में दिया, फिर इतना महंगा कर दिया। विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं वो। अच्छा, चलिए। अच्छा, और सुनो, यहाँ पर हर इंसान को, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रुपया दिया मकान के लिए, ना देखा कि मुसलमान, ना देखा हिंदू है, ना देखा चमार है, सबको रुपया दिए, 2.5 रुपया मकान बनाने के लिए। और सरकारों ने अगर दिए तो उन्होंने मकान दिए, इन्होंने नगद पैसे, विश्वास किया इन्होंने जनता पर, वोटर पे विश्वास किया, नगद पैसा दिया, उन्होंने विश्वास नहीं किया था, मकान दिया। इसलिए ये सरकार आना चाहिए और जरूरी है, इसमें मुसलमान बड़ा सुरक्षित है। अगर बहुत बढ़िया, वरना मुसलमान रह नहीं पाएगा, दूसरी सरकार को आना चाहिए। मुसलमानों की कोई जिम्मेदार अगर है तो योगी जी होंगे। किसके आज आजम खा जेल में डरे, काहे के हते हते जेल में डरे आजम खा। नहीं, हर जगह जहाँ कोई आदमी चला जाए तो केवल लूट खसोट के कुछ और सरकारों में रहा आजम खा। आजम खा की जेल में है, कोई सुन रहा है? शांति है। अतीक अहमद जेल में है, कोई सुन रहा है उसकी? इनने जैसा किया है भगत रहे। जो लोग भूमाफिया है, आतंकवादी लोग, इनको भगतना चाहिए, जेलों में रहना चाहिए। मगर इन्हीं के सहारे सपाती आजम खा के और देवरों में डले हैं जेल में, जो ने किया वो उनको मिला। अच्छा, चलिए ठीक है। पर किसकी सरकार आ रही है? भाई ने जो है बात कही है, ये नहीं कि बोलने में योगी की और क्यों नहीं आ रही? आजम खाने जब लूटो है तो जेल में कौन आजम खान? इकबाल भाई घुसे हैं और मतलब सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अन्य सरकारों की चक्कम हुआ है, कंट्रोल चक्कम हुआ है, इकबाल भाई का कंट्रोल विकास हुआ है कि नहीं लगता है आपको? आप देखिए चारों विकास, क्या बात, आएंगे बाबा जी, चलो भाई जी वहां आएंगे। युवा अखिलेश यादव और बाबा जी की उम्र में सिर्फ 2-4 साल का ही अंतर है, तो क्या 2 साल पहले वाला युद्ध नहीं रहेगा? 2 साल बाद वाला बूढ़ा हो जाएगा? इसलिए बाबा जी भी हमारे युद्ध है और युवा है, युवा है जी। हाँ, आएंगे आएंगे बाबा जी, पुनः आएंगे। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। रवेन क्या नाम है आपका? शंकर राव। बताइए क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? विकास किसने किया है? कांग्रेस की सरकार रही, सपा की रही, बसपा की रही, अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, जो आज हो रहा है और आज हर आदमी सुरक्षित है, वो
से लेकर के जिन्होंने लूट घसोट किए आज वो भागी भागी कर रहे हैं। आज जो सरकार कर रही है वो सबके हित के लिए कर रही है, भाईचारा बना कर रही है। बिल्कुल आएगी, वो 100% आएगी, 101% आएगी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी आते हैं और अधिवक्ता भी बैठते हैं, जिनको अधिवक्ताओं को बुद्धिजीवी कहा जाता है। वो वहाँ से हमने दिखाया कि लोगों का मूड क्या है और आगे के विधानसभा चुनावों के क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है बुंदेलखंड का और क्या है महोबा की जनता का मूड और कौन यूपी की सत्ता पर इस बार काबिज होगा। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ एक इतिहास दोहराकर मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर विराजमान होंगे, या फिर सैफई वाले अखिलेश यादव की साइकिल लखनऊ की गद्दी पर पहुंचेगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज, महोबा। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।